Good morning guys. So finally हम लोग चल पड़े हैं पहलगांव की तरफ और श्रीनगर से पहलगांव इन बिटवीन हम लोगों ने सोचा है, बीच में केसर की खेती देखी थी हमने, तो हमने सोचा चलो केसर का थोड़ा सा ज्ञान बटोरा जाए, तो ये भाई साहब हमें थोड़ा सा केसर का ज्ञान दे रहे हैं। अरे यार, अबे यार, व्लॉग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हमारे दांतों से इसको चबाना है। चबाने में आपको ये हल्का सा कड़वा लगना चाहिए और आपकी जुबान पे बिल्कुल येलो कलर आना चाहिए, पीला कलर। अगर ये खाने में मीठा लगे, कहीं की मजा तो पता, अगर ये खाने में मीठा लगे तो डुप्लीकेट है, केमिकलाइज है, ठीक है। खाने में हल्का सा बिटर और जुबान पे पीला कलर। उसके बाद इसको अगर दूध या पानी में डालेंगे, पहली बात ये पानी के ऊपर फ्लोट होता है, जो डुप्लीकेट होता है जिसके ऊपर केमिकल का वजन होता है, ये कॉमन सेंस है, वो नीचे बैठेगा, ऊपर नहीं तैरेगा, ठीक है। और ये कलर धीरे धीरे देना चाहिए, बिल्कुल येलो कलर धीरे धीरे, जो डुप्लीकेट होता है वो जटके में देता है, ठीक है, ये पहचान होती है इसकी। और इसके बाद सैफरन में कोई एक्सपायरी नहीं है, इट हैज़ नो एक्सपायरी डेट, बट इसको फ्रिज में नहीं रखना है, सुनिए, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको गीला टच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट को आपको अवॉइड करना है, कम से कम तीन चीज़ों से बचाना है, सालों साल खराब नहीं हो जाएगा आपको ये, ठीक है। हमें फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में नहीं तो खराब हो जाएगा, फ्रिज वेट हैंड एंड सनलाइट, ठीक है। या सनलाइट में क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा पूरा, ठीक है, फिर इसका पाउडर बनेगा, मतलब चोरा हो जाएगा इसका। वेट हैंड में इसकी में मॉइस्चर आएगा, फ्रिज में रखोगे तभी मॉइस्चर आएगा, ठीक है। तो फ्रिज के बाहर को जैसे हमारी ड्राई कपड़े आपके घर में अवेलेबल हो तो उसमें आप रख सकते। कितना डालना होता है? पहले सैफरन के फायदे आप सुनो, सैफरन के फायदे जो रहते हैं, जो दूसरा प्रेगनेंसी, इट इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, गुड फॉर लिवर इन्फेक्शन, स्टोमक इन्फेक्शन, कोल्ड डिजीज, इन्फ्लुएंजा डिजीज, गुड फॉर फेयरनेस आल्सो। और इसको कंज्यूम करने का तरीका क्या है, दूध या पानी में आप 5-6 पीस डाल सकते हो, ठीक है, या कोई भी फूड आप घर में बनाओगे, जैसे खीर, बिरयानी, पुलाव, चावल पकाओगे, उसमें आप डाल सकते हो। आफ्टर कुकिंग डालना है, ठीक है, पहले नहीं डालना, ऊपर से डालना है 5-6 पीस और आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर किसी प्रेगनेंट लेडी को देना है तो उसको देना है पहले 2 महीने छोड़ के या 3 महीने छोड़ के, बेटर रहेगा, दूध या पानी में फिर कंटिन्यू दे सकते हो, या अल्टरनेट डेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और प्रेगनेंसी में फ़ायदा क्या मिलता है, बच्चा जहनी तंदुरुस्त पाया जाता है और डिलीवरी नॉर्मल आती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है बच्चा गोरा पाया जाता है, लेकिन केसर से गोरा नहीं होता है, ठीक है, धोखे में रखना गलत बात होती है, ठीक है। 9 महीने इंसान मेहनत करेगा, तो उसके बाद और एक प्रोडक्ट हमारे पास है जो सैफरन से अच्छा माना जाता है, उसको शिलाजीत कहते हैं। शिलाजीत आपने नाम सुना होगा, अनफॉर्चुनेट ये है लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, लोगों को लगता है खाली सेक्सुअल पर्पज के लिए यूज होता है शिलाजीत, बट शिलाजीत जो है इसका वन टाइम यूज होता है लाइफ में। एक इंसान को लाइफ में 2 पीस का कोर्स करना है, उसके बाद उसको 8 बीमारी से छुटकारा पाएगा। पहली बात, किसी को सालों से बैक पेन होती है, ज्वाइंट पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन और तो प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी को डायबिटीज होती है, ठीक है, पुरानी से पुरानी डायबिटीज से चला जाता है, या अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, जेनेटिक डायबिटीज होता है, उसको दोबारा नहीं आएगा, या किसी को थायराइड होता है, ठीक है, थायराइड के सिम्टम्स आपको विद इन 2 डेज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। किसी का फैट होता है, किसी का पेट नासाफ रहता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिवील करता है, बोनस प्रॉब्लम के लिए, एनर्जी पर्पज के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए बेटर रहता है। शिलाजीत को लेना कैसे है, दूध या पानी में लेना है, सोने के टाइम 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/4 चम्मच की चौथाई आपको लेनी है, यानी कि चने का दाना जितना बड़ा होता है, मटर का दाना जितना बड़ा होता है, उतनी सी क्वांटिटी आपको दूध या पानी में लेना है, 7 रोज कंटिन्यू, उसके बाद अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। ऐसे जीप पर रख के दूध में डालना है, ये पैरकार्बोनेट डिजॉल्व हो जाएगा, फिर पीना है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है, वो चाय में ले सकता है, जूस में ले सकता है, अगर कोई ड्रिंक करता है उसमें ले सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसको इंसान कभी भी कैसे भी खा सकता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें नेचुरली 85 मिनरल्स रहते हैं, 85 मिनरल इसमें नेचुरली होते हैं, ठीक है, उसके कारण ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसमें कोई जेंडर इशू नहीं है, लेडी जेंडर दोनों खा सकते हैं, आपके घर में पेरेंट्स होंगे उनको भी दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी हो इसको कंज्यूम कर सकता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट।